उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आम महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, जहां पर एक साथ आमों की करीब 700 किस्मों का एक साथ प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदेश भर से आए किसानों ने इस प्रदर्शनी में बढ़ चढ़कर अपने उत्पादों का प्रदर्शन भी किया, जिसने महोत्सव में चार चांद लगा दिए। इस महोत्सव में समाज सेवी ज्योत्सना हबीबुल्ला, युवा किसान निमित सिंह और अजय कुमार सिंह आदि ने अपने विचार भी व्यक्त किए। ये किसान तो आए हैं, अब आप लोग का सहयोग चाहिए, हमेशा हमको गवर्नमेंट का सहयोग चाहिए। देखिए, हम तो हमारी संस्था है, हमने अवध मैंगो ग्रोअर्स एक संस्था शुरू की थी इसी काम के लिए, ताकि हमारे आम का महत्वता सब लोग समझें। यूपी और लखनऊ पूरे वर्ल्ड के मैंगो मैप पे, और फूड टूरिज्म, इको टूरिज्म, एग्री बिजनेस, सब चीज़ें इससे बढ़ सकती हैं। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि पूरी दुनिया में फेस्टिवल्स होते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन में देख के कि वहाँ क्या रिसोर्स नेचुरल और अच्छा है। यूपी के आमों के जैसे और कोई प्रोडक्ट पूरी दुनिया में नहीं है, तो आम के सीज़न में सबको आना चाहिए, पूरी दुनिया से लोगों को आना चाहिए, पूरे भारत से लोगों को तो ज़रूर आना चाहिए। तो आपका सहयोग रहेगा और गवर्नमेंट का सहयोग रहेगा, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने तो इस बार बहुत सही। मैं लगातार पिछले 2-3 साल से, जब से लोहिया पार्क में जब से वहाँ से लग रहा था, तब से मैं आ रहा हूँ और अपने उत्पाद को ला रहा हूँ। पर अब की बार की व्यवस्था पिछले विगत वर्षों से बहुत ही खराब व्यवस्था है, और किसानों को यहाँ धूप में और लू में मरने के लिए छोड़ दिया गया है, और कोई भी सरकारी कर्मचारी जिनके अंतर्गत ये व्यवस्था है, कोई पूछने तक नहीं आया है आप कौन हो, कहाँ से आए हो, इसलिए व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। इससे हम मोम निकालते हैं, मोम से मोमबत्ती बनाते हैं, फिर परपोलिस निकालते हैं, परपोलिस जो है बीटाडीन में यूज होता है, जब कट जाता है तो फिर हम पराग निकालते हैं। पराग हाईली रिच प्रोटीन डाइट है, जो जिम जाने वाले बच्चे उनको दिया जाता है। बी वेनम निकलता है, रॉयल जेली निकलता है। फिलहाल में हम केवल मोम, पराग और परपोलिस पे काम कर रहे हैं। कैमरामैन आशीष कुमार के साथ धीरेन्द्र श्रीवास्तव, जनमत न्यूज़।